नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर हम लोग पहुंचे हैं ऐसी समस्याओं को लेकर आपके बीच, जो समस्याएं लगातार लोगों को परेशान कर रही हैं, लगातार लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। हम लोग खड़े हैं ये जो हार्डवेयर चौक के पास मीट मार्केट है, आप समझ सकते हैं हम लोग वहाँ खड़े हैं। और आप ये देखें कि तमाम दुकानों पर ओपन में ये चिकन जो है या जो ये मांसाहार है वो ओपन में लगा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ न सिर्फ लगा है, बेचा जा रहा है ओपन में खुले में, बल्कि उसे काटा भी जाता है। और इस समय तमाम लोग परिवारों के साथ निकलते हैं और यहाँ पूरा रोड जो है ये जाम हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन पहुँचा, लगभग घंटे भर पहले, और यहाँ बताया गया कि पूरा सड़क जाम है, केवल इसलिए क्योंकि लोग यहाँ गाड़ियाँ रोक कर यहाँ नॉन वेज खाने के लिए आए हैं। अब ये देख सकते हैं ये तमाम दुकानें जो हैं, मीट शॉप्स जो हैं, इनका मुँह जो है वो अंदर मंडी की तरफ है, जबकि होना इसे मतलब इन दुकानों के शटर जो हैं वो खुलने नहीं चाहिए थे, ये मंडी की तरफ ही होने चाहिए थे, लेकिन तमाम दुकानदारों ने अपने शटर यहाँ मेन रोड की ओर, जी बिल्कुल, सड़क की ओर कर लिए हैं। और इनकी वजह से न सिर्फ यहाँ लोगों को देखने में बुरा लग रहा है, बल्कि आप ये देख सकते हैं यहीं अंदर काटा जाता है और यहीं इसको बेचा जाता है। जबकि ये जो दुकानें हैं, इन दुकानों पर ये आप देख सकते हैं लगातार इन दुकानों के मुंह जो है वो इस तरफ खोले जा रहे हैं, और जिसकी वजह से यहाँ इस पूरे इलाके में आप ये देख सकते हैं ये दुकानें जो हैं ये अंदर मंडी की तरफ खुलनी चाहिए, या यहाँ गेट इनके अवैध रूप से, इनके जो दरवाजे हैं, बिल्लू चिकन मीट शॉप, गोल्डन मीट चिकन शॉप और भी तमाम दुकानें हैं, कबाब ही कबाब, यूसुफ चिकन होलसेल सप्लायर, ये तमाम दुकानें हैं। इन दुकानों के जो दरवाजे हैं, और यहाँ देख सकते हैं आप, इसकी वजह से सड़क जाम हो जाती है। एक घंटा पहले बहुत बुरी हालात थे यहाँ, और ये आप देख सकते हैं किस तरह का आलम यहाँ रहता है। और ये जो पूरी मंडी है, पूरी मंडी में बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जो दुकानें लगातार जी भाई साहब, आप यहीं होते हैं मंडी में? नहीं नहीं जी, हम बाहर से आए हैं। आप बाहर से आए? अच्छा, बाहर से आए हैं। तो ये जो दुकानें हैं, इन दुकानों को, बहुत सारी दुकानों को सील भी किया जा चुका है, लेकिन फिर भी चोरी छिपे ये दुकानें खुलती हैं। करोड़ों रुपए का बकाया इन दुकानों पर नगर निगम की ओर से है, लेकिन इसके बावजूद आप कह सकते हैं कि नगर निगम इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता, इन दुकानदारों पर न गेट खोलने को लेकर नगर निगम इन पर सख्त है, और न अपना पैसा बकाया जो है उसे वसूलने पर। और यहाँ तमाम लोग हैं, यहाँ स्लॉटरिंग भी होती है, आप देखें। क्या नाम आपका? आप यहीं होते हैं भाई साहब? स्लॉटरिंग होती है, लोग यहाँ से गुजरते हैं, लोगों को बड़ा बुरा लगता है। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं फरीदाबाद, और मंडी में जितना मीट शॉप्स हैं सबको मंडी में इसलिए लाया गया था ताकि मंडी में जिन लोगों को चाहिए वो मंडी में आएं, अंदर आएं और शॉपिंग करें। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि इन तमाम दुकानों के जो दरवाजे हैं वो मेन रोड की ओर खोल दिए गए हैं, और उसकी वजह से लोगों की भावनाएं जो हैं वो बहुत आहत होती हैं। जी अब फरीदाबाद, आपको बता दें कि कुछ दुकानें यहाँ पर नगर निगम ने सील की थी क्योंकि नगर निगम का बकाया इन पर था, पर जैसा कि सूत्र बताते हैं कि जो बकाया राशि है वो अभी जमा नहीं कराई गई है, इलीगल तरीके से जो है वो दुकानें चोरी छुपे जो शटर उठाकर काम किए जा रहे हैं, और जो निगम का बकाया है वो वहीं का वहीं खड़ा है। कर्जदार जो है, जिस कर्जा जो है निगम का, वो सिर पर है, लेकिन काम धंधा जो है इनका जोरों शोरों से चल रहा है। फरीदाबाद, आपको दिखा दें कि ये यहाँ पर पहले जो है ये दुकानें जो आप देख रहे हैं बाहर शटर है, ये शटर नहीं हुआ करते थे, सिर्फ इस मंडी में तीन दरवाजे होते थे एंट्रेंस के, और आज आप देख रहे हैं कि ये इलीगल तरीके से जो है ये शटर खोल दिए गए हैं, दुकान
दुकानें बाहर की साइड मेन रोड की साइड कर दी गई है, रेड़ियां लग गई हैं, यहाँ पर चिकन बना हुआ बिकने लग गया है। पहले यहाँ चिकन कच्चा बिका करता था, मगर अब चिकन की रेड़ियां लग गई हैं, ढाबे खुल गए हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है हुजूम लगा हुआ है लोगों का, खाने पीने वालों का, जिसकी वजह से सड़क पर ट्रैफिक जाम होता है, समस्या बड़ी है। और आपको बता दें कि कुछ और बातें हैं वो भी बता दें, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर लाइसेंस जो हैं, जो बूचड़ खाने के लाइसेंस होते हैं, वो भी रिन्यू नहीं हुए हैं। कई वर्षों से लाइसेंस जो हैं वो रिन्यू नहीं कराए गए हैं। फरीदाबाद भावनाओं से जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, आहत हैं लोग यहाँ पर, यहाँ से गुजरने वाले लोग जो हैं वो परेशान हैं, ये देखकर कि सड़क के ऊपर जो है मांसाहार जो है वो काटा जाता है। काटने का लाइसेंस जो है काफ़ी समय पहले जो है नगर निगम ने बंद कर दिया था, रिन्यू नहीं कर रहा था, मगर आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ काम चल रहा है। खाने पीने की दुकानें चल रही हैं, नॉनवेज की दुकानें हैं, और सबसे बड़ी बात फरीदाबाद आपको बता दें कि ये जो दुकान जो खुल गई है सड़क के ऊपर, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर, चिकन की दुकानें एक साथ जो है मंडी थी, ये मंडी के अंदर जो दुकानें थी वो अब बाहर रोड पर आ गई है, बाहर मुंह आ गया है। किसकी परमिशन से ये बाहर आई हैं दुकानें, क्या नगर निगम से कोई ऐसी परमिशन इन्हें मिली है, या फिर ये अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से जो है यहाँ गंदगी की बात करें, आपको दिखा कूड़े के ढेर देख रहे हैं आप, और जो ये गंदगी यहाँ पर है वो किस तरीके से गंदगी है, तो आपको एक बार दिखाएंगे हम, थोड़ा सा और दिखाएंगे, अच्छे से दिखाएंगे हम आपको, यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरीके से देख रहे हैं आप यहाँ पर जो है ये मांसाहार जो काटा जाता है, उनके अवशेष जो हैं वो अवशेष यहाँ पर सड़क पर हैं, खुले में गिरे हुए हैं, बीमारियों को दावत देते हैं, कुत्तों को दावत देते हैं जो यहाँ पर आए, और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बदबूदार जो जगह है, ये बदबू आ रही है। नगर निगम और नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग मेरे ख्याल से सोया हुआ है, कार्रवाई आंखें बंद करके बैठा है, कार्रवाई के नाम पर जो है कुछ नहीं किया जाता। लाइसेंस रिन्यूअल जो है वो काफ़ी समय से बंद है, मगर दुकानें आज भी चल रही है, धंधा आज भी चल रहा है। नगर कहते हैं कि हमारा जो आय का स्रोत है वो बन नहीं पा रहा है, नगर निगम की आय का स्रोत बंद है, मगर दुकानदारों की चांदी कट रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इलीगल तरीके से जो है दुकानें लगा दी गई है, रेड़ियां लगा दी गई हैं, खाने के ढाबे खोले गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक की समस्या, आपको दिखा दें गाड़ियां आधी आधी सड़क के बीच में लगी होती हैं, हैवी ट्रैफिक गुजरता है, हार्डवेयर रोड है जो कि सोहना को जोड़ता है, आप समझ सकते हैं आज संडे का दिन है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है सड़क पर, मगर खाने पीने वालों का जो है यहाँ तांता लगा हुआ है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।